नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मास्क लगाने को लेकर। भारत समेत विश्व में कोरोना का खतरा है। प्रतिदिन लाखों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना का नया रूप भी सामने आ गया है। फिलहाल देश समेत विश्व में ओमिक्रॉन नामक वायरस ने सभी को परेशान कर रखा है। ऐसे में कोरोना की पहली लहर से ही लोगों को मास्क पहनने की बात कही गई थी। स्वास्थ्य के जानकार यह मानते हैं कि मास्क लगाने से कोरोना के मामलों में कमी आ सकती है। ऐसे में मास्क लगाने को लेकर अब कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक तर्क यह भी कहा जा रहा है कि मास्क लगाने से हमारे शरीर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इधर झारखंड के एक विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें MBBS डॉक्टर अरफान अंसारी कहते हैं कि लंबे समय तक मास्क पहनने से आपके शरीर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह की खबरें जब सोशल मीडिया पर घूमने लगी तो लोग अब इस बात की जानकारी चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में मास्क पहनने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर की माने तो लंबे समय तक मास्क पहनने से आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती। उस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि अमेरिका की हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह साफ साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर मास्क को लेकर दी जाने वाली जानकारी सही नहीं है। ज़्यादा देर तक मास्क पहनने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। उन्होंने यह भी बताया है कि जब आप मास्क पहनते हैं तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। उन्होंने कहा कि CO2 के अणु बहुत छोटे होते हैं, जब आप मास्क लगाते हैं तो वे आसानी से हवा के साथ बाहर निकल जाते हैं। मास्क को लेकर यह भी बताया गया है कि आप जो मास्क पहनते हैं वह कोरोना से आपकी रोकथाम जरूर करता है, लेकिन कोई मास्क ज़्यादा सुरक्षा देता है तो कोई मास्क कम सुरक्षा देता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो यह वायरस को रोकने में ज़्यादा कारगर नहीं है, इसके लिए आपको N95 मास्क पहनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो उससे पहले आप मेडिकल मास्क जरूर पहने। साथ ही यह भी कहा गया कि आप डबल मास्क लगाने में कोई परेशानी नहीं है तो आप दोनों मास्क पहन सकते हैं। विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि किस तरह से आप मास्क नहीं पहनना चाहिए। सिंगल लेयर के मास्क नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये कोरोना से बचाव में ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर कोई मास्क आपको पहनने में ढीला लग रहा हो तो इसे ना पहने, क्योंकि इसके जरिए वायरस आपके नाक तक जा सकता है। ज़्यादा टाइट मास्क पहनने से भी बचें। इसे पहनने के बाद आप बार बार अपने मास्क ढीला करने की कोशिश करेंगे और इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि जो सोशल मीडिया पे मास्क पहनने को लेकर जो भ्रांतियाँ चल रही है, और एक तरह कह लें कि जनप्रतिनिधि भी इस तरह की बातें कह रहे हैं, इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मास्क पहनने से CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती है, ये वैज्ञानिकों ने भी कहा। और दूसरी अहम चीज़ है कि मास्क पहनने से हमें कोरोना से भी हम बच सकते हैं। तो ऐसे में इन सारी खबरों को आप ध्यान न दें और मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी पे रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से आप बच सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।